ये जब थोड़ा सा ऐसे कड़कड़ाना शुरू कर दे, That's all I need to do. Oh ho! आज तो कड़ी पत्ता काफी जज्बाती हुआ है जी. So safety first. मैं एक ढाल इस्तेमाल करूँगा. I think this is going to be my shield. Assalamualaikum and hello. मैं आपको एक दफा फिर खुशामदीद कहता हूँ to another episode of Khusit in the Kitchen Ramzan Special. These special episodes are brought to you in partnership with Coca-Cola Pakistan. Lahore mein, balki mera khayal hai, pure Pakistan mein is dafa kuch strange sa weather chal raha hai. Sardi der se bhi aayi, lekin sardi der tak rehne ke mood mein lag rahi hai. So, bahut achhi ji, ek Allah ki rehmat hai. Mujhe lagta hai, mausam ka is tarah se thanda aur pleasant hona, is waqt subah ka time hai, lekin you can see ke peeche, sky is quite cloudy and not very harsh. So, ये सब चीज़ें जी रहमतें और बरकतें हैं अल्लाह ताला की और इस बाबरकत महीने की. सो आई होप आप सब खैरियत से हैं और आपके रोज़े बहुत अच्छे गुजर रहे हैं और जो रमज़ान की असल स्पिरिट है हम उसको भी समझने की कोशिश कर रहे हैं और प्रैक्टिस कर रहे हैं सेल्फ कंट्रोल, एहसास और बर्दाश्त. शुरू करते हैं आज का एपिसोड. आज मैंने सोचा जी ज़रा स्नैक्स से थोड़ी सी दूरी इख्तियार की जाए, यानी जो सिर्फ इफ्तार की डिशेज होती हैं जिनको हम स्नैक्स की तरह बनाते हैं. आज हम बनाते हैं एक और सालन, यानी एक कढ़ाई बनाऊंगा. नाम है इसका ग्रीन चिकन कढ़ाई. ये क्या है, ये क्यों है, इसके ऊपर लंबी गप लगाएंगे. और जिस फिल्म की मैं बात कर रहा हूँ, आई थिंक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म. इट इज़ अ फिल्म विच आई फील left a very profound effect on me when I watched it many, many years ago. And it is made by one of the most important filmmakers of our times, Jafar Panahi. So, The Circle ke upar, jiska Irani title hai Daire, is pe bhi baat cheet hogi. Shuru karte hain aaj ka episode. Aur aapko batata hoon ki ye green chicken kadai ke liye aapko kya kya ingredients darkar hain. चूंकि इस कढ़ाई का नाम है ग्रीन कढ़ाई, तो आपको इसीलिए बहुत सा सब्जा नजर आ रहा है और हसीन तरीन मिंट यानी पुदीना, बहुत ही खुश जायका और फ्लेवरफुल धनिया. और जनाब, मेरी शिकायत हुई दूर और मेरे सू शेफ उमर ने मेरा जो गिला है वो खत्म किया और वो कहीं ना कहीं से लाहौर में ही ढूंढ लाए ताजा कड़ी पत्ता. ओए होए होए, इसकी कोई बात ही और है जनाब. ये तो मतलब इसके साथ तो बस मेरा ख्याल है, एक तो मुझे बहुत सा कराची का खाना याद आता है और जो इसकी एक अपनी, वो क्या कहना चाहिए, जो एक सर्टन एक स्मेल है और जो एक सर्टन जायका है, वो जब खाने में जाता है वो एक और ही गेम है. ये है जी कोकोनट मिल्क. मैंने कोकोनट मिल्क कभी पिछले दिनों हाउस वे में भी इस्तेमाल किया. कोकोनट मिल्क जो है जनाब, मैंने आज डब्बा भी संभाल के रखा ताकि आपको पता चल जाए. कोकोनट मिल्क इस तरह कैन की शक्ल में मिलता है. कोकोनट पाउडर भी मिलता है जिसमें आपको गर्म पानी मिला के इसी फॉर्म में लाना पड़ता है. तकरीबन 400 ml आपको दही चाहिए. इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है यहीं पे. इसमें से थोड़ा सा मैं लूँगा और उसको इस्तेमाल करूँगा मैं एक ग्रीन चटनी बनाने में. चूंकि इसमें और किसी किस्म की कोई मिर्च नहीं जा रही, सिर्फ थोड़ी सी काली मिर्च जाएगी, वो भी बिल्कुल लास्ट स्टेज पे. इस पे जानी है खाली हरी मिर्चें. सो मैं इस्तेमाल करने लगा हूँ खुली. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ फ्यूजन कढ़ाई जी, क्योंकि कोकोनट मिल्क यूजुअली हम एसोसिएट करते हैं थाई खानों के साथ. सो थाई और देसी का एक इम्तजाज है. मेरे दोस्त हैं हसन ताहिर, वो रहते हैं नेदरलैंड्स में और जब वो वहाँ पे मूव किए तो उन्होंने वहाँ जाके खुद खाने पकाने सीखे, जैसा कि हम सबको करना पड़ता है जब बाहर जाते हैं. तो ये उन्होंने ऑलमोस्ट इन्वेंट की है. सो दिस रेसिपी हैज़ बिन गिवन टू मी वेरी ग्रेशियसली बाय हसन ताहिर ऑल द वे फ्रॉम द नेदरलैंड्स. और इसके अंदर ये ऑलमोस्ट पूरा जो एक गट्ठी है जी पुदीने की पूरी जाएगी. धनिए के साथ क्या करना है, धनिए का वही जी, इसको रफली चॉप करूंगा
जड़ें करते हैं गायब और ये सारा धनिया भी इसमें जाना है। लेकिन अब मरहला थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो मेरे पास चॉपर है वो आपको यकीनन छोटा लग रहा होगा, लेकिन इसको अब हम स्टेजेस में डाल लेंगे। तो मैं अभी जितना इसमें जा सकता है वो डालूंगा। थोड़ा सा इसमें से ये दही और कोकोनट का मिक्सचर लेंगे ताकि ये इससे अच्छे से ब्लेंड होने में मदद दे। That's about it, जी। ये तकरीबन इस तरह की कंसिस्टेंसी बन गई। अब हम इस सारे को इसमें वापस लौटा देंगे। So once this marinade is ready, this is 1 kg चिकन, 1 kilo पूरा चिकन है जो कि बोनलेस है। आप बोन के साथ भी पकाना चाहें पका सकते हैं। It is more convenient to eat this, so मैं इसलिए इस्तेमाल कर रहा हूँ 1 kilo पूरा चिकन बोनलेस। इसको आपने अच्छे से इसमें मिक्स कर दिया। और जी यकीनन ये इस वक्त आपको लग रहा होगा कि काफी ज्यादा है, लेकिन इसको ज्यादा होना चाहिए क्योंकि इसमें अब और कुछ नहीं जाना। इसका काम क्या है जी कि इसने ग्रेवी भी बनानी है, इसको गलने में भी मदद करनी है और ये पूरा फ्लेवर भी इसके अंदर जाना है। तो जी आइडियली तो इसको आप कई घंटों के लिए या ओवरनाइट अगर मैरिनेट करके छोड़ दें तो फ्लेवर्स अंदर अच्छे से रच जाएंगे, बट आई एम गोइंग टू गिव इट अबाउट से हाफ एन आवर मैक्स। हम जितनी देर ये मैरिनेशन होती है गुफ्तगू करते हैं जाफर पनाही की फिल्म दायरे पे। जाफर पनाही अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फिल्म मेकर। He has been a symbol of integrity, authorship, rebellion. इन्होंने अपना करियर शुरू किया जी अब्बास किरिस्तामी को असिस्ट करने से। अब्बास किरिस्तामी अगेन इज आई थिंक वन ऑफ द बिगेस्ट फिल्म मेकर्स एवर इन द हिस्ट्री ऑफ सिनेमा। ईरानियन सिनेमा में जो किरिस्तामी की कॉन्ट्रीब्यूशन है आई एम श्योर That is just massive, massive, massive. जो थीम्स खास तौर पे पनाही यूजुअली पिक करते हैं अपनी फिल्मों में, they are about giving a voice to the oppressed, women, children, minorities. और अपनी फिल्मों को लेकर इनको ईरान में बहुत से मसाइल का सामना हुआ। इंटरनेशनल अक्लेम इस तरह का है जी कि दुनिया के बड़े से बड़े फेस्टिवल्स, फ्रॉम कान टू वेनिस टू लोकार्नो टू द बर्लिन फिल्म फेस्टिवल, बड़े से बड़े अवार्ड्स जीते इनकी फिल्मों ने। सो कमिंग टू दायरे द सर्कल, जब मैंने देखी तो एक तो सिनेमा के थ्रू आप इम्पॉर्टेंट अहम बातें किस तरह कर सकते हैं वो एक मेरी आंख खुली कि सिनेमा एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है, सिनेमा एक बहुत बड़ा कैरियर हो सकता है ऑफ दीज इम्पॉर्टेंट मैसेजेस एंड नैरेटिव्स। कहानी शुरू होती है तो हम देखते हैं जी एक मैटरनिटी वार्ड के बाहर हैं, हम एक अस्पताल में हैं जहाँ पे एक कैरेक्टर जो है उसकी बेटी अंदर शी गिव्स बर्थ टू अ गर्ल चाइल्ड। और वहाँ से कि वो जो हमारे कल्चर में भी ये है, हम अपने इर्द गिर्द देखें तो बहुत दफ़ा ऐसे वाक़यात सुनने को मिलते हैं कि समहाउ बेटी के पैदा होने पे खुशी कम मनाई जाती है या उसको ऑलमोस्ट समझा जाता है कि ये कोई कुदरत ने आपके साथ नाइंसाफ़ी कर दी। आई मीन एक कल्चर के अंदर इस तरह की अनफेयर ट्रीटमेंट रखी जाती थी हमारे यहाँ बहुत अरसे तक। सो वो जो भी वो खातून के दिमाग में चल रहा है वो उसी को लेकर बाहर निकलती हैं। एंड ऑलमोस्ट ऐसे आप सड़क पे चलते जाएं कि आप किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं और फिर उनको छोड़ के आप किसी और को ऑब्जर्व करना शुरू कर दें। सो इस तरह से वो कहानी ट्रांसफ़र होती है एक और कैरेक्टर तक। अब ये मुख्तलिफ खवातीन जो कि कुछ जगह पे बहुत छोटे छोटे मसाइल से फाइट कर रही हैं, कुछ जगह पे इतने बड़े मसाइल से फाइट कर रही हैं कि वो उनको जेल हुई भी है और वो जेल से भागी हुई हैं, और जिन वजूहात पे और जिन बातों पे उनको जेल हुई है वो भी दे रेंज बिटवीन वेरी बिजार टू एक्सट्रीमली रिडिकुलस टू वेरी वेरी अनफेयर ऑफकोर्स। सो टेक्निक वाइज अगेन रियलिस्टिक, सेमी स्टाइलाइज्ड बट very powerful and studied with such great cinematography. Long takes hain, hum characters ke saath saath hain, so even just making sure ki is tarah ki film making jo ke real location ke upar ho rahi hoti hai, asal zindagi ka hissa bana ke na ke stage karke kisi studio mein, wo bahut mushkil hota hai. To Jafar Panahi ki skill is very admirable, enviable, aur
कुछ चीजें जो आपके साथ रह जाती हैं वो सिंबलिज्म है जो विदाउट बीइंग टू मच ऑन द नोज यानी बहुत ऑब्वियस किए बगैर वो कैसे बस आपके दिल में बैठ जाता है. फॉर एग्जाम्पल चादर का जो सिंबल है अबाया का उसको किस तरह से पनाही ने यूज किया है टू क्रिएट डिफरेंट मीनिंग्स टू इंडिकेट डिफरेंट आइडियाज दैट इज कमेंडेबल. और जब आप जाफर पनाही का करियर देखते हैं तो उसमें जिस तरह से उनकी फैमिली को उनके दोस्तों को स्टेट ने किस तरह वहाँ पे ऑप्रेस किया ही वॉज जेल्ड एट सम पॉइंट. तो कहीं आपको यही एहसास होता है कि आर्ट की कितनी अहमियत है क्योंकि अगर आर्ट की अहमियत ना होती तो आर्ट से इतना खौफजदा ना होते लोग. सो पनाही अदर देन हिज वंडरफुल सिनेमा आई थिंक एक ऐसी आवाज़ है एक ऐसा क्या कहना चाहिए एक स्ट्रॉन्ग सिंबल है ऑफ रेजिस्टेंस कि वो अपना काम करते रहते हैं डिस्पाइट ऑल दिस अनफेयरनेस. वन इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई'ड लाइक टू शेयर जब ये मैंने देखी ऑफकोर्स डीवीडी के ऊपर देखी तो डीवीडी में वो जो एक्स्ट्रा फीचर्स आते होते थे तो इसकी मेकिंग थी तो उसमें मुझे पहली दफ़ा ये पता चला कि आप जिसको मेकअप कहते हैं या यू नो जो स्क्रीन के लिए आपको कैरेक्टर्स के साथ करना पड़ता है इट इज़ नॉट ऑलवेज अबाउट ब्यूटिफाइंग पीपल. वो एक कैरेक्टर जो है बीच में से उसके चेहरे पे एक स्कार बनाया गया जस्ट टू एनहांस हर वल्नरेबिलिटी जस्ट टू एनहांस हर इनोसेंस एंड यू नो हर बीइंग विक्टिमाइज्ड फॉर एक्सट्रीमली अनफेयर रीजंस. तो किस तरह से कभी कभार आप सिर्फ और सिर्फ एक एलिमेंट को इस्तेमाल करके ऑफ मेकअप हाउ दैट कैरेक्टर एवरी टाइम शी इज़ ऑन स्क्रीन यू ऑलमोस्ट लाइक you know you're drawn to her you want to save her and just creating that empathy by using some elements of as we call it mise-en-scene jo screen ke upar elements nazar aate hain. Ek aur image hai mere dimag mein jo abhi tak bahut fresh hai this girl is running aur piche aise jaise windows hain corridor hai lamba sa ya koi hall hai aur wo louvers type lage hue hain aur apni chadar samet ke भागने की कोशिश करती है एंड दैट चादर ऑलमोस्ट फ्लाइज पीछे उसके. सो दैट इमेज वाज सो हॉन्टिंग एंड इट इज अ ब्रिलियंट फिल्म डू वॉच इट. आई विल गो बैक टू माय चिकन नाउ. कढ़ाई जी बनेगी ऑफ कोर्स कढ़ाई के अंदर चूल्हे पे रखेंगे एक कढ़ाई. अभी क्या करेंगे सबसे पहले ओहो जी हवाएं चल रही हैं हल्की हल्की फुहार हो रही है. आई मीन इट ऑलमोस्ट looks like a scene out of a book ke ek dopahar hai thandi si jisme sarmat khana paka raha hai. Sounds like an interestingish story. Oil lenge ji. Ye jab thoda sa aise kadkadana shuru kar de that's all I need to do. Oho aaj to kadi patta kafi jazbati hua hai ji. सो सेफ्टी फर्स्ट मैं एक ढाल इस्तेमाल करूंगा. आई थिंक दिस इज गोइंग टू बी माई शील्ड. और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जी अपना सारा चिकन. अच्छा जी सो जब ये इस कढ़ाई में चला गया तो मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर आपने पहले शुरू में तसल्ली से इसको कम से कम 15 से 20 मिनट देने हैं. आपको बिल्कुल परवाह करने की ज़रूरत नहीं है ये नहीं लगेगा इसमें लिक्विड काफ़ी ज़्यादा है तो इसको आपने खुले दिल से पकने देना है और खुला ढकना नहीं है अभी इस पॉइंट पे. कढ़ाई के साथ और भी बड़ी जी अब तो मेरा ख्याल है एक्सपेरिमेंट्स लोग करते रहते हैं. कढ़ाई हैज़ ऑलमोस्ट बिकम लाइक यू नो दैट पैलेट जिसमें जिसका जो जी चाहता है वो तजर्बे करता रहता है उसमें इनोवेशंस करता रहता है. आप सुनने में आता है जी के शनवारी कढ़ाई तो चरसी कढ़ाई तो काली मिर्च की कढ़ाई तो मक्खनी कढ़ाई तो नमकीन कढ़ाई तो क्या जी देसी वाली कुकड़ की जो होती है और इस वाले चिकन की. आई मीन कढ़ाई हैज़ ऑल्सो बिकम लाइक यू नो एक तो बहुत ही यूनिवर्सल सी चीज़ बन गई है. मतलब दुनिया में अगर किसी को किसी देसी खाने का नहीं भी पता उसको कढ़ाई का ज़रूर पता होता है. इसको हो गया जी तकरीबन अब आधा घंटा पकते हुए और आप देख सकते हैं कि इसका घी हो चुका है अलैदा और इस वक्त जो ग्रेवी है वो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल मुनासिब मिकदार में बची है और मैं इसको मज़ीद ड्राई नहीं करना चाहूँगा.
तो जी अब करेंगे इसकी आंच बिल्कुल हल्की, लाइक बिल्कुल अब आप दम वाली आंच पे ले आएंगे इसको, और अब इसमें जाएगी ब्लैक पेपर थोड़ी सी। Although इसके अंदर हमने बहुत सारे ग्रीन्स डाले हुए हैं पहले से, लेकिन दम के वक्त एक एक्स्ट्रा खुशबू के लिए मैं अब डालूंगा थोड़ा सा धनिया और पुदीना और हरी मिर्च और, which is almost like say the garnish stage. और जनाब अब इसको देंगे हम ढक, और बिल्कुल दम वाली आंच पे आई एम गोइंग टू गिव इट 2 to 3 minutes. That's about it. अब इनको हम रिंग्स की शक्ल में निकाल लेंगे ऐसे. 3 से 4 मिनट का टाइम जो इसको देना था वो मैंने दे दिया है, और अब देखते हैं कि मोमेंट ऑफ ट्रूथ क्या कहता है और हमारी कढ़ाई दम के बाद कैसी लग रही है. 3, 2, 1. ओए होए जी, आई थिंक इट इज क्वाइट अ थिंग ऑफ ब्यूटी. आप खुद देख के फैसला करें कि किस कदर खूबसूरत लग रही है. जो खुशबुएं हैं जो आ रही हैं वो उससे भी ज्यादा खूबसूरत हैं. और अब हम इसको प्लेट करते हैं जी, और इसके कई तरीके हो सकते हैं. आप इसको चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं. हमारे पास हैं जी जीरे वाले चावल और तंदूरी रोटी. थोड़ी सी करेंगे गार्निशिंग, प्याज़, थोड़ी सी हरी मिर्चें. One other way to plate it out would be like जैसे आप थाई या चीनी खाना plate out करते हैं. So let's see ये क्या बनता है. There you go. There you go. अब जरा कुछ सफाई सुथराई करते हैं और आपसे मिलते हैं in a flash. Alright जी, I present to you my green chicken kadai, जिसको मैंने दो तरह से ये प्लेट आउट करके रखा है, और साथ जाएगी एक ठंडी ठार कोका कोला. तो जी इसको जरूर ट्राई कीजिएगा. आप इसको व्हाइट चावल के साथ भी खा सकते हैं, आप इसको परौंठे के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं, जीरे वाले चावल के साथ भी खा सकते हैं, टोस्ट के साथ भी खा सकते हैं. शाम को पकाएं, जो बच जाए उसको सैरी में खाएं, और जो सैरी में बच जाए उसको अगले दिन इफ्तार में पराठा रोल बना के खाएं. सो यू कैन डू अ लॉट विद दिस. आई थिंक दिस इज अ ब्यूटिफुल लुकिंग एंड आई एम 100% श्योर अ वेरी डिलिशियस टेस्टिंग डिश. आपसे मुलाकात होगी एक दिन के वक्फे के बाद एक नई रेसिपी और एक नई फिल्म के ऊपर बातचीत के साथ. अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट. खुदा हाफिज.